असल आज की हमारी डिस्कशन है फोर हंड्रेड एम फार्मा की एक टेबलेट में पोटेंसी अवेलेबल है प्राइस की बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इसकी करंटली हमें करीब एक टेबलेट मिलती है पैक टोटल जो है फोर नाइन्टी फाइव रुपीज का है इस वक्त मार्केट में मोक्सी uh, फ्लोक्सा जो है बेसिकली फोर्थ जनरेशन है एक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस ये एक फेमस किस्म की एंटीबायोटिक है ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा किस्म के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इसकी जो है वर्किंग बहुत बेनिफिशियल है मैं बात करूँ अगर मोक्सीफ्लोक्स की तो मॉक्सीफ्लोक्सिन जो है अगर इससे पिछली हम लोग जनरेशन की बात करें जिसमें थर्ड जनरेशन में लिवोफलोक्सिन और दो सेकंड जनरेशन के अंदर हमें ये सिप्रोफ्लोक्सस इन में मिलता था नोविडेट के नाम से मार्केट में आ जाता है लिवोफ्लोक्ससिन जो है वो लीफ्लोक्स के नाम से भी इजीली मिल जाता है सो so ये जो जनरेशन है ये मोक्सीट ये उससे एडवांस फॉर्म है सो so हम देखेंगे कि हाउ मच नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है ये इस गेंद हम लोग क्यों करते हैं इसको खाने के बाद या इसको यूज करने के बाद तो इसकी इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये जो है निमोनिया जो है वो फेमस है इंफेक्शन जिसमें ये क्योर करती है जो इसमें हमें लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है या टोनिक ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है मतलब कि इसमें समझने के जितने भी लंग्स के अंदर जो हमारे जो लंग्स रिलेटेड हमें जो इन्फेक्शन होंगे उनको वो ये क्योर करेगी ये बच्चों में भी हो जाता है नमोनिया और इवन बड़ों में भी हो जाता है उसके अलावा ये स्किन का इन्फेक्शन जो है उसको क्योर करेगी एबडोमिनल इन्फेक्शन हो जाते हैं यानी पेट के इन्फेक्शन उनके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल है स्टमक के इन्फेक्शन भी इसी के अंदर आ जाते हैं उसके बाद साइनोसाइटस के इन्फेक्शन मतलब कि कांस नाक से के इर्दगिद के जो जो हमारे जो रूट्स हैं सांस लेने वाले उनके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी हेल्पफुल करेगी उसके बाद हमें ये पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से होते हैं यानी कि ऑपरेशन के बाद कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है उस जगह पे या उस तो उसको भी स्पेशली ये क्योर करेगी और उसके बाद है प्लेग ये इसमें भी ये यूज़ किया जाता है प्लेग बेसिकली ये समझ लें कि एक काइंड की ये डिजीज़ है अगर मतलब कि एक, एक फ्लू एक, मतलब एक, एक फ्लाई करने वाला एक इंसेक्ट है और अगर वो सपोज रेड के अंदर कोई रेड के जो जम्स हैं वो अगर ट्रांसफर हो जाए वो काट ले तो उससे जो एक बीमारी होती है उसके अंदर भी ये इस चीज़ को क्योर करती है अगर इसको आसान अल्फाज में बताऊँ तो जो रेट्स के जम हैं उनको भी ये क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है सो एज अदर जो एंटीबायोटिक हैं अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो इसके भी साइड इफेक्ट्स में जो है वो समझ लें कि स्टमक का अपसेट होना डायरिया या नोसिया जो है वो मेजर सिम्टम्स हैं सो ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग मॉक्सीगेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग